तो गाइस स्वागत है आप सबका पार्ट टू में और हम कंटिन्यू करेंगे डियाब्लो नेमेसिस वर्सेस सारे मेटल फाइट बेब्लेड्स पार्ट टू। तो गाइस चालू करते हैं आज के वीडियो को और आज का फर्स्ट कंटेस्टेंट हमारे पास जो है वो है स्टॉर्म पेगासस। गाइस तो चालू करते हैं आज का वीडियो, 3, 2, 1 हो जाए शुरू। ओके, ये एक गलत चीज है यार, इसको हमें सबसे पहले तो यार बैलेंस मोड में डाल के ऐसे रख के ही लॉन्च करना पड़ेगा ताकि ये सेंटर में रहे। और ये पेगासस हारने की कतार पे आ गए हैं यार। बहुत लोगों को हर चीज से ऑब्जेक्शन होता है यार, ये स्टेडियम यूज करेंगे तो इससे ऑब्जेक्शन, BB10 करेंगे तो उससे ऑब्जेक्शन। ये स्टेडियम यूज करने का एकमात्र रीजन है कि यार नॉकआउट्स ना हो, मतलब ओवरऑल BB10 में फटाफट नॉकआउट्स हो जाते हैं, उसका कोई मतलब नहीं होता ऐसे स्टैमिना, मतलब हम अभी पावर चेक कर रहे हैं ना गाइस, तो इसमें नॉकआउट क्यों चाहिए। और यहाँ पे पेगासस भी लुढ़क रहा है और डियाब्लो भी लुढ़क रहा है और डियाब्लो नेमेसिस जीत जाते हैं गाइस, पेगासस हार गया है। तो गाइस नेक्स्ट कंपटीटर भाई डुओ यूरेनस हाथ में आ गया है गाइस, 3, 2, 1 हो जाए शुरू। हो डुओ यूरेनस कांटेक्ट में नहीं आ रहे भाई। डुओ यूरेनस क्या स्टेडियम के एच पे, मतलब मस्त है यार, डुओ यूरेनस जीत जाएगा गाइस क्योंकि डुओ यूरेनस ओवरऑल ऐसा बेब्लेड है जो कि फैंटम ओरायन तक को हरा देता है। डियाब्लो नेमेसिस किस खेत की मूली है ओवरऑल, तो यार ऑब्वियसली डुओ यूरेनस तो यहाँ पे जीतने ही वाला है, ऐसे तो कोई शक नहीं है मुझे। इसके बाद गाइज हम वेरी एरिस को लेंगे, मतलब मैंने उठा लिया ऑलरेडी, टाइम वेस्ट नहीं करना यार, हमारे पास बहुत बेब्लेड्स है और इतने बेब्लेड्स कंप्लीट करने हैं। डियाब्लो नेमेसिस, डियाब्लो नेमेसिस के पास ये मोड में घंटे का अपर अटैक नहीं है तो फिर वो इतने ऊपर वाले फ्यूजन व्हील को कुछ कर ही नहीं सकता, तो ओवरऑल बस वो ऐसे ही पानी ना मिलने के कारण प्यास से नीचे मर जाएगा और कुछ नहीं होने वाला। और ये हो गया है डियाब्लो नेमेसिस का खात्मा गाइज और हमारे साहब जीत गए हैं गाइज। वेरी एरिस के दो बैटल्स होंगे गाइज, एक लेफ्ट और एक राइट में। भाई किस कही ये येड़ा मेरे आईफोन पे उड़ के ना लग जाए। गाइस अभी लेफ्ट में ट्राई करते हैं, राइट में तो गाइस जीत गया, लेफ्ट में लॉन्च करता हूँ। और अब डियाब्लो नेमेसिस, गाइस ये अल्टीमेट बैलेंस मोड कतई अभी थोड़ा खराब लगने लग गया है मुझे, मतलब पहले अच्छा था स्टार्ट में, मतलब जब भी मेटल फ्यूजन बेब्लेड्स थे ना भाई। रुक जा, और ये अभी ओहो वेरियरिस क्या जिम्नास्टिक्स दिखा रहा है। ओ गाइस डियाब्लो नेमेसिस जीत गया यहाँ पे, तो वेरियरिस ने एक राउंड जीता और एक राउंड हार गया। गाइस नेक्स्ट बेब्लेड है स्पाइरल कैप्रिकॉर्नो, कैप्रिकॉर्नो क्यों कर रहा हूं मैं, और लॉन्च। ओह ये क्या हो गया गाइस, आहा ये तो यार बहुत बुरा हो रहा है कैप्रिकॉर्न के साथ, आई मीन डियाब्लो नेमेसिस के साथ ज्यादा बुरा हो रहा है। ओवरऑल डियाब्लो नेमेसिस कुछ कर ही नहीं पा रहे यार। ओहो ये तो ऐसे हो रहा है कि बस वो इर्द गिर्द घूमे, मारा मारा भाई मारा। यार ये मोड शिफ्ट हो गया, वो हो मोड शिफ्ट में किल हो गया, किल गाइज यहाँ पे। और अब गाइज नेक्स्ट बेब्लेड आने वाले हैं
ओके ओमेगा ड्रैगोनिस गाइस, ओमेगा ड्रैगोनिस के साथ तो यार बहुत ही दिक्कत होने वाली है। यार ये घटिया वेवलेट है यार, बहुत घटिया वेवलेट है। इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं गाइस, ओवरऑल कोई बात नहीं, मतलब एकदम ही टट्टी सा वेवलेट है। ग्रेविटी डिस्ट्रॉयर गाइस, ग्रेविटी डिस्ट्रॉयर। बहुत एग्रेशन है डियाब्लो नेमेसिस के ये अल्टीमेट बैलेंस मोड में। गाइज अगर इसको अल्टीमेट बैलेंस मोड में ना रखे तो गाइज देखते हैं क्या, एक बार चेंज कर लेते हैं गाइज ओवरऑल, क्योंकि अल्टीमेट बैलेंस मोड में हाँ यार अनप्रडिक्टेबिलिटी कुछ ज़्यादा ही मतलब पहाड़ छू रही है यार यहाँ पे। यार ये तो किसी भी तरीके से जीतने नहीं वाला गाइज, इसको हम भाई नॉर्मल मोड में डाल के देखते हैं गाइज। डियाब्लो नेमेसिस अच्छा वेवलेट है यार, ऐसे नहीं, इसको हम नॉर्मल मोड में डालते हैं। 80 यार वो क्या मीम है गाइज, 80,000 का जूता है तेरा घर जाएगा उसमें, तेरा घर जाएगा, वो डोरेमोन वाला मैंने देखा था अभी रिसेंट में। यार आजकल तो यार बच्चे लोग भी मीम्स बहुत फॉलो करते हैं ओवरऑल मैंने देखा है। तो गाइस कंटिन्यू करते हैं, अब क्यों अटैक मोड में है ये क्या था, ओ माय बैड भाई उसका घुस गया है क्या टिप अंदर, हाँ हाँ हो गया हो गया गाइस। चलो भाई ओहो लूज हो गया था भाई, अच्छा हो गया बैटल को मिडवे रोक लिया गाइज, यहाँ पे अभी तबाही हो जाती थी। वो तो गाइज डियाब्लो नेमेसिस ने अपना कहर बरसाने चालू कर दिया है, ग्रेविटी डिस्ट्रॉयर अब लेफ्ट रोटेशन में आएंगे। वाओ भाई ये तो खतरनाक है, ये मोड यूज करेंगे गाइस, कंटिन्यू रखते हैं ये मोड में। अभी यार कोई स्कॉर्पियो वर्पियो है मेरे हिसाब से, रॉक स्कॉर्पियो यार, रुक जा भाई। ओहो क्या हो रहा है, क्या 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 भाई, ऐसा लगता है हाथ से लगा के चिपका दू भाई, अरे ओ भाई भाई जो डियाब्लो नेमेसिस रिकॉइल जनरेट करता है ना यार वो काबिले तारीफ है। अब वो थक गया है और अब ये वेवलेट के सामने भी डियाब्लो नेमेसिस हार। डियाब्लो नेमेसिस का यही प्रॉब्लम है गाइस, अगर वो इनिशियल अटैक्स कनेक्ट कर लेता है तो यार बहुत बढ़िया, मतलब उसके जैसा बेवलेट नहीं, बट अगर वो इनिशियल अटैक्स कनेक्ट नहीं कर पाता तो राम नाम सत्य है गाइस। साइथ क्रोनस नेक्स्ट बेवलेट है, ओ यार ये साइथ क्रोनस को जैसे कि देखा आपने स्टार्टिंग में इतना हिट्स अगर पड़ेगा तो बेवलेट का चूरा कर दिया डियाब्लो नेमेसिस ने, मतलब चूरा बना के चिवड़ा बना दिया उसने एकदम भाई, खत्म हो गया गाइस। यहाँ पे डियाब्लो नेमेसिस जीत गए गाइस, नेक्स्ट बेवलेट। ओह भाई भाई टॉप बेवलेट, सर्वाइवल एट द सेंटर भाई। हमारे पास अब टाइम बहुत कम बचा है गाइस, पार्ट 3 में नहीं करने वाला इसका। वो डियाब्लो नेमेसिस ने हमारी सुन ली है, टाइम कम बचा है गाइस, जल्दी जल्दी थर्मल लसर्टा भाई जा बीच में,
क्या बच रहा है गाइस? और ये मारा थर्मल लसाडा, शायद जीत जाएगा, शायद है, शायद, क्योंकि ईएस इटरनल शार्प टिप है ना, तो ओवरऑल उतना स्टैमिना देगी वो यार। बहुत अभी बाकी है यार वेवलेट्स, अर्थीगल गाइस, अर्थीगल और गाइस तीन वेवलेट्स को एक साथ लड़ा दूं क्या? तीनों को एक साथ डाल देता हूं गाइस भाई। यहाँ पे थर्मल लसाटा यार दिख रहा है, थर्मल लसाटा जीत जाएगा, सॉरी थर्मल पाइसेस जीत जाएगा गाइस। चलो तीन वेवलेट्स को एक साथ डालते हैं। ओह अर्थीगल फर्स्ट, हमारे चुन्नू भैया यार डियाब्लो नेमेसिस अगर पहले हार गया ना तो ओ भाई भाई डियाब्लो नेमेसिस फर्स्ट हार गया है गाइस यहाँ पे। ओ भाई गंदा था, ठीक है कोई बात नहीं। मेरा डियाब्लो नेमेसिस थोड़ा रैटल भी कर रहा है ओवरऑल, क्या रीजन हो सकता है उसको, मेरे को थोड़ा सा ये करना पड़ेगा रेनफोर्सिंग। भाई अर्थीगल गोल्डन वेवलेट गाइस जीत गया गाइस। बीटलिंग्स, चलो बीटलिंग्स की बात करते हैं। ओह भाई खतरनाक डियाब्लो नेमेसिस भाई गॉड है। हेल कार्बेक्स गाइस, चलो भाई जितनी पावर थी डियाब्लो नेमेसिस सारी इस्तेमाल कर रहा है यार। थर्मल असर का ओहो यार एल्ड्रैगो को यूज करेंगे गाइस यार। भाई रायुगा फैंस यार एल्ड्रैगो तो ऐसे कुछ उखाड़ तो नहीं पाएगा, मतलब नो ऑफेंस सम टेकन मे बी। गाइस यहाँ पे डियाब्लो हार गया है ओवरऑल ऑब्वियसली गाइस। अब रायुगा बॉय अब ऐसा अचानक से बीच में रुक जाएगा जैसे कि स्लोमो डाल दिया हो। क्या हो गया इसका फाइनल ड्राइव किक इन नहीं हो रहा क्या? अरे लगता है गियर जाम हो गए। ओह नहीं नहीं हो गया हो गया यार। रायुगा के ऊपर जो मैं खींचता हूँ यार मेरे को मालूम है पब्लिक को बहुत गुस्सा आता होगा गाइस यार। ठीक है गाइस रायुगा यार यहाँ पे भाई रायुगा एकदम जोश में और वो ड्रॉ, मतलब चलो यार रायुगा जीत गया। चलो यार खुशी का मौका, रायुगा जीत गया गाइस। और अभी थर्मल लसरटा चियून, अरे भाई रहना भाई डॉज कर रहा है चियून गाइस। इसका इसका वेवलेट एक छिपकली है ना सैलामेंडर, बड़ा बड़ा सा छिपकली है, छोटा छिपकली नहीं है, बड़ी छिपकली है वो। ओह गाइस आज तो यार पूरा कंप्लीट करके रहेंगे। अब कौन बचा है गाइस ओवरऑल? अभी यार एक ही वेवलेट बचा है जो है बेसिकली डियाब्लो खुद, तो गाइस डियाब्लो वर्सेस डियाब्लो कर लेते हैं। ओहो मैं क्या कर रहा हूँ, मीटियर ड्रैगन को छोड़ दो यार, मिटियल ड्रैगो वो क्या ओके ये बहुत गंदा था गाइस। मैं बेवलेट लेके आया गाइस आज के लिए बस इतना ही गाइस, बेवलेट लेने को नहीं हो रहा मुझे,
मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर गाइस एंड बाय बाय।